हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और बहुत दिनों के बाद हम हमारे चैनल में एक वीडियो लेके आ चुके हैं। बहुत दिनों के बाद मतलब हम लोग पूरा यूट्यूब से एकदम डिस्कनेक्ट हो चुके थे, लेकिन अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अभी रेगुलरली वीडियोस डालने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो उन लोगों के लिए होने वाला है जिनके पास कोई एडवांस लाइट सेटअप नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रोडक्ट फोटोग्राफी करना चाहते हैं। तो हम आज इसी के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं, तो अंत तक देखते रहिएगा। और अंत में मैं इस वीडियो का मतलब जो भी फोटोज़ मैं कैप्चर करूँगा वो डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो, आप लोग भी देख सके कि कैसा रिजल्ट हम विदाउट लाइट सेटअप और हमारे पास जो भी मतलब ज़रूरत का सामान है, मतलब जो हम डेली यूज़ करते हैं, उसके मदद से हम कैसे एक अच्छा प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम जो जो चीज़ इस्तेमाल करने वाले हैं उनमें से सबसे पहला चीज़ जो है वो है एक कैमरा। ये कैनन का 77D है और इसके साथ मैं एक 50mm 1.8 यूज़ करने वाला हूँ। इसके साथ साथ हम और भी कुछ चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, वो है एक छोटा बॉटल स्प्रेयर। इसका इस्तेमाल हम कब करने वाले हैं, क्या किस लिए करने वाले हैं, ये हम ज़रूर बताएंगे वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। और उसके साथ एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन। ये जो फोन है ये अभी सभी के पास है, तो ये अवेलेबल चीज है, सबके पास होती है। तो इसके मदद से आज हम जो लाइट है उसका काम इससे करवाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को अभी शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसे हमने इसका सेटअप पूरा किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक बेसिक सा टेबल है और इस टेबल के ऊपर हमने ये सेटअप करके रखा है। ये बॉटल स्प्रेयर का काम हम बाद में आप लोगों को दिखाने वाले हैं। ये देखिए कैमरा हमने सेट कर लिया है और इसका हाइट को एडजस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टेप अप रिंग का इस्तेमाल किया है। मैंने सिर्फ लेंस को उसके ऊपर एक सपोर्ट की तरह यूज़ किया है उसको, ताकि ये जो लेवल है वो मैं मेंटेन कर सकूँ, नहीं तो प्रोडक्ट का जो मतलब फ्रेम में मैं प्रोडक्ट को नहीं रख पा रहा था। तो प्रोडक्ट जो है वो ये है, ये एक परफ्यूम का बॉटल है, तो इसी का आज हम शूट करने वाले हैं और इसके सैंपल भी हम हर एक शॉट के साथ हम वीडियो में अटैच कर देंगे। तो चलिए अभी हम दिखाते हैं कि कैमरा में आपको क्या क्या सेटिंग्स करना है इस टाइप का फोटोग्राफी करने के लिए। तो पहला चीज़ आपको जो करना है वो करना है कि पहले कैमरा को मैनुअल मोड में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ से इस डायलर को घुमा के हम मैनुअल मोड में लेके आते हैं, ये देखिए मैनुअल एक्सपोजर। तो अब इसको ओके करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने शटर स्पीड को 6 सेकंड पे रखा है, एपर्चर जो है वो 4 पे रखा हुआ है 4.0 और ISO 100। ISO को हमेशा 100 पे ही रखना है, ISO को कभी 100 के ऊपर नहीं ले जाना है। ISO को 100 पे रखने से ही आपका पूरा काम हो जाएगा और शटर स्पीड को आप 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20, 30 जितना मतलब ज़्यादा हो सके रख सकते हो। मेरा 8 सेकेंड में ही हो जाएगा। मैं बाद में एक 30 सेकेंड का भी शॉट लेके दिखाऊंगा, जहाँ पे मैंने इसी मोबाइल एक ही मोबाइल की मदद से 2 या 3 लाइट को यूज़ करके मैंने एक अलग तरह का फोटो खींचा है। तो यही सेटिंग्स है और साथ ही साथ आपको एक 2 सेकंड का टाइमर सेट कर देना होगा, 2 हो या 3 हो जितना सेकंड का हो एक टाइमर सेट कर देना है, ताकि जब आप लॉन्ग एक्सपोजर में शॉट ले रहे हो, जब ये जो बटन है मतलब हमारा जो शटर बटन है इसको फोकस करने के बाद आप क्लिक करने के टाइम पे अगर कैमरा शेक हो जाता है तो उस टाइम पे आपका पूरा इमेज ही शेक हो जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, एक शटर में टाइमर सेट कर देना है। वो 2 सेकंड का भी हो सकता है, 3 सेकंड का भी हो सकता है, वो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप रख सकते हो। मैं 2 सेकंड ही रखता हूँ, तो आप 2 सेकंड से भी कर सकते हो। तो चलिए अभी पूरा दिखाते हैं कि कैसे ये शूट होता है। तो गाइस कैमरा के साथ साथ आपको फोन में भी कुछ सेटिंग्स करना है, जैसे कि आपको फोन के सेटिंग्स में जाके उसके बाद आप वहां पे सेटिंग्स में जाने के बाद वहां पे आप ऊपर सर्च सेटिंग्स में स्लीप ये टाइप कर दो, SLWP, और
वहां पे एक सेटिंग्स आ जाएगा जहां से आप क्या कर सकते हो, ये जो स्क्रीन ऑटो ऑफ हो जाता है, मतलब स्क्रीन का लाइट जो ऑटो ऑफ हो जाता है, उसको आप क्या करोगे, वो स्लीप को आप नेवर कर दोगे। स्लीप, ये जो स्लीप है, स्लीप को आप नेवर कर दोगे, मतलब ये स्लीप नहीं होगा, क्योंकि हम जो है ये जो स्क्रीन का जो लाइट है, ये एलसीडी का जो लाइट है, हम उसी की मदद से आज प्रोडक्ट फोटोग्राफी करने वाले हैं। तो चलिए अभी प्रोडक्ट का फोटो खींच के आपको दिखाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, फोन का जो ब्राइटनेस है वो फुल पे कर देना है, और कहीं भी व्हाइट स्क्रीन जहां से व्हाइट लाइट निकल रहा हो वो स्क्रीन आपको ऑन कर देना है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए पूरा सेटअप तैयार करना है। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे कैमरा का है उसमें कैमरा में आपको 2 या 3 सेकंड का टाइमर डालना है। उसके बाद आप क्लिक करने के बाद इसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद कैमरा मोबाइल का जो लाइट है उससे आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं 2-3 सेकंड के लिए, और जिस तरफ से भी आपको लाइट चाहिए वहां से आप पकड़ सकते हैं। और उसके बाद आप देखना एक बहुत अच्छा आउटपुट निकल के आ रहा है। तो अभी हम पूरा लाइट सेटअप मतलब लाइट बंद कर देते हैं और सिर्फ मोबाइल के लाइट के इस्तेमाल से हमें फोटो खींच के आपको दिखाते हैं कि कैसा आता है। 8 सेकंड का शटर स्पीड है, एपर्चर है 8 और आईएसओ है 100। तो इसी सेटिंग्स में हम पहले इसका एक इमेज खींच के आपको दिखाने वाले हैं कि कैसा आ रहा है, और ये जो लाइट का टाइमिंग है, कितना देर तक आपको पकड़ के रखना चाहिए या कहां से देना है, ये सब कुछ आपको टेस्ट एंड ट्रायल करके देखना होगा, क्योंकि हमारे पास कोई डायरेक्ट लाइट सोर्स नहीं है और कोई भी एडवांस लाइट सेटअप नहीं है। हम लोग एक सिर्फ मोबाइल के स्क्रीन से इसको करने वाले हैं। तो कितना देर तक पकड़ के रखना है, कैसा अच्छा एक लाइट आना है, वो सिर्फ आपको एक एक इमेज खींच के देखना पड़ेगा। तो चलिए एक इमेज अभी इसी सेटिंग पे खींच के देखते हैं। तो गाइस आपने देखा ही होगा कि मैंने पूरा प्रोसेस आपको दिखाया कि मैंने कैसे मोबाइल के स्क्रीन के मदद से अलग अलग डायरेक्शन से लाइट देके एक प्रोडक्ट फोटोग्राफी करने की कोशिश की है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि विदाउट जो हमने ये अभी तक हमने ये इस्तेमाल नहीं किया है, तो हम आपको दिखाएंगे कि इसको इस्तेमाल करते हुए कैसे एक नॉर्मल प्रोडक्ट फोटोग्राफी को हम मतलब एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। इसके साथ हम कैसे जो भी फोटो है उसका एक एनहेंस कर सकते हैं फोटो को। तो इसके साथ फोटो खींच के अंत में मैं ये भी दे दूंगा और कंपैरिजन में दे दूंगा, ताकि आपको आसानी हो देखने में कि आप उसको प्रेफर करेंगे या इसको विदाउट वाटर और या विद वाटर। तो चलिए अभी विद वाटर एक फोटो खींच के देखते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं आप कैसे इसकी मदद से या फिर इसको कैसे स्प्रे करना है आपको। तो पहले आप जो प्रोडक्ट है उसको ले लीजिए और देखिए, अच्छे से देखिए, इसके ऊपर हम पानी छिड़क रहे हैं। जब तक उसमें एक ये टेक्सचर नहीं आएगा वो पानी वाला, ये देखिए ये छोटा छोटा बूंदे तैयार हो गया है, इसको जब ये आ जाएगा तो इसको छोड़ देना और ज्यादा पानी नहीं देना है। तो आप इसको आप यहाँ पे रख दीजिए और फिर वही टेक्निक जो मैंने पहले आपको दिखाया है वो सेम टेक्निक दोहराइए। देखिए आपका फोटो का जो इमेज मतलब फोटो का जो प्रोफेशनलिज्म है और एक अच्छा फोटो कैसे निकल के आता है, या जरूर चेक कीजिएगा। मैं वीडियो के एंड में दोनों फोटो को साथ में दिखा दूंगा ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि डिफरेंस क्या है।
After taking these images, you need to tweak these images in the Photoshop to get the best out of it. तो गाइस मैंने पूरा वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कैसे आप विदाउट लाइट सेटअप, कोई भी प्रोफेशनल लाइट सेटअप के बगैर, सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल के स्क्रीन लाइट के हिसाब से कैसे इस एक अच्छा प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो फोटोग्राफी है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक लाइट सेटअप करके छोड़ दे और इमेज के बाद इमेज लेते रहोगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये एक जुगाड़ू टाइप का मतलब प्रोसेस है। तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, आपको पेशेंस बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। एक शॉट से आपका फाइनल शॉट नहीं आने वाला है, बहुत सारे शॉट्स आपको लेने पड़ेंगे। तो ट्रायल एंड एरर करते करते, मतलब शटर स्पीड को कभी 8 सेकेंड, कभी 10 सेकेंड, कभी 5 सेकेंड, कभी एपर्चर को 8 में, 7 में, 5 में, 4 में, 3 में, तो आपको एपर्चर और शटर स्पीड के ऊपर ही ज्यादा खेलना पड़ेगा। ISO को टच मत कीजिएगा, 100 ISO को ही रखिएगा, और जो शटर स्पीड है उसको और एपर्चर को इसमें ही आपको खेलना है। इसके साथ ही आपको इमेज को ज्यादा एनहांस करना है, आपको बार बार खींच के देखना पड़ेगा कि फोटो कैसे आ रहा है। और मतलब ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि जो मोबाइल का लाइट आप यूज कर रहे हो उसका जो स्लीप मोड है वो जरूर पहले सेटिंग्स में जाके नेवर कर देना, नहीं तो अगर पीच शॉट में वो बंद हो जाता है तो आपका पूरा एक शॉट खराब हो सकता है। और इसके साथ आप और भी चीजें, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ब्लू और रेड लाइट जो हम जेल कहते हैं, जेल के मदद से जो हम ब्लू और रेड लाइट पोर्ट्रेट्स या फिर स्टिल लाइफ में यूज करते हैं उसको भी आप कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, गूगल में जाके आपको रेड बैकग्राउंड, ब्लू बैकग्राउंड ऐसे करके डाउनलोड करके वो इमेज को अपने स्क्रीन में खोल लेना है, उसको फुल स्क्रीन में खोलना है। उसके बाद उसके मदद से आप क्या कर सकते हो, फोटो खींच सकते हो। ये टेक्निक को भी मैंने ब्लू और रेड लाइट के मदद से भी मैंने कुछ इमेजेस लेके रखे हैं। उसमें क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ शटर स्पीड को ज्यादा देर तक कर देना है, क्योंकि आपको एक ही फोन में व्हाइट लाइट, रेड लाइट और ब्लू लाइट तीनों को चलाना है, तो आपको स्क्रीन बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो उसमें आपको क्या है, शटर स्पीड को थोड़ा लंबे टाइम तक खोल के रखना पड़ेगा। तो उसका भी एक इमेज हम वीडियो के एंड में डाल देंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा, और आप लोगों को जिसके पास या जो लोग एक अच्छा लाइट सेटअप अफोर्ड नहीं कर सकते हो उनको भी ये अच्छा लगेगा, और वो लोग अच्छे अच्छे प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर पाएंगे। तो हम लोगों का यही मकसद है कि कम बजट में आपको कैसे एक अच्छा मतलब फोटो निकाल सकते हैं, यही हम इस वीडियो का मकसद था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में।